और बड़ी खबर मिल रही है, बेशकीमती भूमि का कब्जा लेने पहुंचा जेडीए। सरदार पटेल मार्ग स्थित भूमि पर कब्जा लेने पहुंचा है जेडीए। तस्वीर आपके सामने है। अभिषेक मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख करेंगे। अभिषेक, क्या जानकारी है? देखिए, ये जो दीपिका, ये जो सरदार पटेल मार्ग है, क्रिस्टल पाम से लगती हुई ये जमीन है, बेशकीमती जमीन है। करीब 3000 वर्ग गज ये जमीन बताई जा रही है, जिसका कब्जा लेने जेडीए अचानक मौके पे पहुंचा है। खुद जेडीए आयुक्त भी आप देख सकते हैं यहाँ मौके पे मौजूद हैं। और ये 3000 वर्ग गज जमीन है, और यहाँ पर जेसीबी, जेडीए की जेसीबी यहाँ चल रही है। इनको जो भी पेड़ वगैरह इनको हटाया जा रहा है, और आप देख सकते हैं जो डंडा आपकी जो दिख रहा है लकड़ी का, यहाँ से लेकर यहाँ तक अभी तैयारी है तारबंदी की, ताकि जमीन को कब्जे में ले जाए। इसके अलावा और भी जमीन है, और इधर अगर हम देखें सरदार पट इधर क्रिस्टल पाम की तरफ, तो वहाँ पर भी जमीन है, तो उसको भी लेने की जो है उससे पहले जो आपको जाली दिख रही है, वहाँ तक का जेडीए ने भी कब्जा लेने के प्रयास में है। और हमारे साथ खुद जेडीए आयुक्त रवि जैन मौजूद हैं। सर, पूरा मामला क्या है? यहाँ पर ये जमीन खाली पड़ी है, जो मैंने अपने डिप्टी कमिश्नर जोन को पूछा कि ये जमीन खाली है तो इसके ऊपर किसका अधिकार है, तो इनसे जब पेपर्स वगैरह मंगवाए तहसीलदार साहब से और रेवेन्यू पेपर्स, तो पता चला कि ये जेडीए की ही ज़मीन है। तो अगर जेडीए की ज़मीन है तो हमने यहाँ पर तहकीकात भी की, यहाँ लोग रह कौन रहे हैं, तो पता चला कुछ गाडोले अलोर फैमिली रह रही है और बाकी बिल्कुल खाली पड़ा है, और किसी ने यहाँ पर पास में बैरिकेडिंग करके उसको एज ए पार्किंग यूज़ कर रहे हैं। तो क्योंकि ये जेडीए की ज़मीन है और बीच हार्ट ऑफ द सिटी में है और काफ़ी बेशकीमती ज़मीन है, तो जेडीए के कब्जे में होनी चाहिए, यही सोचकर हम आज जिस पे अपना कब्जा कर रहे हैं जेडीए का। और देखते हैं अगर कोई आता है व्यक्ति या कोई अपने कागजात लाता है तो उसको भी देखेंगे, सुनेंगे और उसके बाद फैसला करेंगे। सर, तहसीलदार ने रिकॉर्ड के मुताबिक बताया कि ये जेडीए की लैंड है, अगर अब हम जहाँ खड़े हैं तो ये जेडीए की लैंड कहाँ से कहाँ तक है? जैसे जो क्रिस्टल पाम है वहाँ से लेकर यहाँ तक की, और इधर पूरी ये पूरी लैंड अपनी है, तो इसमें ये जो लोग बसे हुए इनको हटाने के लिए कोई जेडीए नोटिस देगा? ये जो लोग बसे हुए हैं इन्होंने हमसे एक दिन की मोहलत मांगी है कि हम आपको पट्टा दिखाएंगे, कोई रॉयल फैमिली का पट्टा इनके पास है, ऐसा ही कहते हैं, तो हम इनको दो दिन का समय देंगे। इसके बाद में अगर ये प्रूव नहीं कर पाते हैं कि इनके पास कोई मतलब सही एंटाइटलमेंट है, तो फिर हम कार्रवाई करेंगे। सर, जिस ज़मीन की बात कर रहे हैं वहाँ पर होटल की भी पार्किंग चल रही है, तो होटल वालों से पूछा गया है? कौन से होटल की पार्किंग? ये जो पूरी पार्किंग दिख रही है सर, ये तो बाकायदा बोर्ड लगा के पार्किंग की जा रही है। मैं किसी को ये पूछने की आवश्यकता नहीं है, हमारी ज़मीन में अगर कोई बैठा भी है तो हम उससे क्यों पूछे, वो हमको बताएगा कि वो हमारे ज़मीन में क्यों बैठा हुआ है। जेडीए का ये मानना है कि जो पूरी जमीन है जिस पर हम खड़े हैं ये पूरी जेडीए की है, जेडीए जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है उसके मुताबिक जेडीए की है। बिल्कुल अभिषेक, बिल्कुल। और देखिए, जेडीए की जमीन पर जिन्होंने कब्जा किया है अब उसे हटाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए, जानकारी के लिए।